आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। आप ये जो मंजर देख रहे हैं ये उस्मानिया हॉस्पिटल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई पेशेंट्स कैसे नीचे बैठे हुए हैं और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर नर्स भी मौजूद नहीं है। इससे आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीपी चेक कराने के लिए ये हैदराबाद की शान काबा नीला हॉस्पिटल वहाँ नहीं है वो बिल्डिंग में, वहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, न्यूज़ में भेजने का है इसलिए अभी मैं बता लेगा। क्या नाम है आपका? जमीरुद्दीन। कौन है ये बच्ची? क्या नाम है? सादिया मरियम। इसमें लगे हुए देखो, ये पूरी लाइन है। ये बोलो इधर आओ। बीपी चेक करने के वास्ते लाइन है, दो घंटे लग रही। वो बिल्डिंग में नहीं है, वहाँ से पूरा यहाँ तक लाइन लग रही है, पूरे औरतों बच्चों को लेकर आकर बैठे हैं। वो बिल्डिंग में परेशान है कि लोग भी बैठे देखो बीपी चेक कराने के वास्ते। ये बच्चा भी बीपी चेक कराने के बैठे, उन्होंने भी उधर बीपी चेक कराने के बैठे। वो बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में? वो बिल्डिंग से ये बिल्डिंग। खाली बीपी चेक करा। ठीक। देखिए भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये पेशेंट इधर है, ये टेबुला है नर्सों के, ये टाइम पे आके ये लोग इंजेक्शन दे दिए चले गए बीपी चेक कराने, वो बिल्डिंग पे जाने का है। ये पेशेंट है पूरे, यहाँ पर ये पूरे पेशेंट है लाइन में धर के करा के भी लोग आ रहे हैं वो बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में, खाली बीपी चेक कराने के लिए उतनी लाइन है। एक बीपी मशीन, एक दो सिस्टर यहाँ बैठ के अगर बीपी चेक करे बच्चों का, तो ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पेशेंट को लेके जाने की नौबत नहीं आती। अब 11 बज रहे, अब 11:30 हो रहे, नर्सा जो है टाइम पे बच्चों को इंजेक्शन दे दिए चले गए। खाली यहाँ एक दो नर्स बैठ के भी बीपी की मशीन रख के चेक करे तो वो बिल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। ठीक है, मेहरबानी होती, बराए मेहरबानी होती यहाँ अगर कोई नर्स बैठे एक दो बीपी चेक करने की मशीन लेके तो बहुत अच्छा रहता। पेशेंट के साथ रह के हालत थक जा रही, फिर पेशेंट को छोटे बच्चों को यहाँ से वहाँ पर लेके जाना पड़ रहा वो बिल्डिंग में। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ये। ख़त्म, इंजेक्शन दे दिए ये लोग चले गए बीपी चेक कराने, वहाँ जाना है कहते, कोई बोलने वाले नहीं है यहाँ पर, ना कोई पूछने वाले है सब। खुदा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पत्थरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्थरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।